তমলুকের বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে স্বচ্ছতা অভিযানে আজ দুপুর 12টা নাগাদ অংশ নিলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পাণ্ডে। তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য, জেলা ও তমলুক নগরমণ্ডলের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দরা। সারা দেশ জুড়ে 14ই জানুয়ারি থেকে 21শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলছে মন্দিরে মন্দিরে স্বচ্ছতা অভিযান, তারই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই অভিযান। কেন্দ্রীয় নেতা মায়ের মন্দিরে পুজো দেন এবং সাথে সাথে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কারে হাত লাগান। आज वर्ग भीमा काली मंदिर जी के प्रांगण में आके माँ काली का पूजा अर्चना भी किया और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन से 22 जनवरी जिस दिन अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है उस दिन तक स्वच्छता अभियान चल रहा है। और मैं प्रतिदिन किसी न किसी मंदिर में जाता हूँ और मंदिर के स्वच्छता के काम में भाग लेता हूँ और संपूर्ण देश में आज जनमानस अपने अपने मंदिरों को साफ सफाई और स्वच्छता के वातावरण में लाने का काम कर रहा है। चूँकि 22 जनवरी 2024 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब 496 वर्षों के गुलामी का जो एक प्रतीक था वो प्रतीक समाप्त हो जाएगा और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी वो विरासत एक बार फिर से पुनर्स्थापित हो रही है अयोध्या में। तो यह एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा देश के लिए और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों की साफ सफाई और स्वच्छता हम सब लोगों को करनी है। और आज उसी क्रम में तुमलुक में यहाँ आया हूँ, माँ काली का आशीर्वाद भी लिया और उनके मंदिर की साफ सफाई भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ किया है। 22 तारीख में